हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंदर हमें ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाता है ये सीखना है। ठीक है, कैश में ओपनिंग बैलेंस हम कैसे डालेंगे और ये टैली की मेन मेन्यू है, जो कि कई सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि ये टैली की मेन मेन्यू होती है, क्योंकि ये लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली ही टैली की मेन मेन्यू होती है। तो यहां से रहते हुए आपको क्या करना है, अल्टर पे आना है। ठीक है, अल्टर पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ आप क्या करना है, लेजर्स पे जाना है। तो ये आ गए लेजर्स पे। अब यहां पर आकर के कैश में ओपनिंग बैलेंस डालना है तो यहाँ कैश के लेजर पर जाकर एंटर कर दीजिए और यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 20,000 ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूं और यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल ओपनिंग बैलेंस हो गया है 20,000। ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई क्रेडिटर पार्टी है यानी सप्लायर पार्टी है और उसका ओपनिंग बैलेंस आप डालना चाहते हैं तो यहां से जाकर के और एंटर करिएगा और यहां पर जब आइएगा नीचे तो यहां पर आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो देखिए ये सेम वही चीज है, यहां पर जाकर के एंटर करिए तो ये पड़ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ देखिए क्रेडिट भी आ रहा है और एंटर करेंगे और नेम डालेंगे यहाँ पे सप्लायर पार्टी का नेम। तो जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं राजू, ये सप्लायर पार्टी है और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ जाता है और एंटर करके इसको आप एक्सेप्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस इसी तरीके से डाला जाता है टैली के अंदर। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी।